अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा अब टेस्ट देख रहे हैं, बहुत ही क्रैम्प हो गया था, अब चीज़ें इसके नीचे गिरना शुरू हो गई थी। इसका हल ये है कि अब मैं ये डेस्क लेके आया हूँ, अब इसको मैं बनाने जा रहा हूँ और अब इसको बनाते हैं और देखते हैं कि कैसा बनता है और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर पूरी आती हैं या नहीं आती। चलें देखते हैं। इसको हम बिल्ड करना शुरू करते हैं, देखते हैं बिल्ड होने के बाद क्या होता है। ये बनने के बाद कुछ ऐसा हो गया है। बनाना इसको इतना आसान नहीं था क्योंकि जो नंबर्स वगैरह थे वो बहुत ही फेंट लिखे हुए थे, जो मैनुअल था उस पर तो ठीक थे लेकिन जो आइटम्स थी उन पे नंबर जो है ना बहुत ही हल्के लिखे हुए थे, बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आता था। अब मैं इसको टेबल को चीज़ें अपनी मूव करूंगा इस टेबल पर, देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। चीज़ें मूव की हैं, आप देखिए काफ़ी नीट एंड टाइडी हो गया है, हर चीज़ अपनी जगह पे आ गई है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें क्योंकि कॉर्नर में है और इसको मैं कंपेयर कर रहा था इससे, अगर ये आइकिया से लिया था मैंने, अगर आप इसको इससे कंपेयर करें। अब मैं थोड़ा सा इसकी जो है ना मेजरमेंट आपको दिखा देता हूँ कितनी है। दोनों साइड से 80-80 है, लेकिन जो मेन चीज़ आपको देखनी है वो इससे इधर तक है वो कितनी आती है। तो ये जो है ना तकरीबन 65 के जो है ना लगभग है, और ये जो स्पेस है वर्क स्पेस जो 50-75 है। और वेरी हैप्पी विद दिस। अब देखें कि ये चलता कैसे है, स्टडी है, नो प्रॉब्लम। इतना वेट तो वैसे भी नहीं डालना इस पर। चलें, थैंक यू सो मच इसको देखने का, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।